नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्यवाही, बजरी खनन करते मौके से दो डंपर जब्त। स्नेह मिलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, दहेज पर आधारित गाना किया गया रिलीज। अमेटा सेवा संस्थान ने आयोजित किया सम्मान समारोह, समाज सेवा के लिए समाज रत्न से किया गया सम्मानित। खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन, कई खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। खाद्यान्न घोटाले के मुख्य सूत्रधार को ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार, फर्जी अभिलेख दर्शाकर लाखों के गमन का है आरोप। अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात राजस्थान के भादसोड़ा इलाके की, जहां पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्यवाही में बजरी खनन करते हुए दो डंपर को जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रेत माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो जब्त डंपरों पर पेनाल्टी लगाने की बात कही जा रही है। अगली खबर राजस्थान के पाली जिले से है, जहां प्रथम जिला स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह और स्नेह मिलन कार्यक्रम में आदित्य मौर्य का दहेज पर आधारित एक गाना रिलीज किया गया। कार्यक्रम के दौरान गाने की जानकारी देते हुए आदित्य मौर्य ने कहा कि आज के आधुनिक युग में भी सदियों से चली आ रही दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां खत्म नहीं हुई हैं। लाखों महिलाओं को आज भी इस दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में एक कविता को गाने के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के प्रति जागरूक हो सकें। इस कार्यक्रम में विधायक ज्ञान चंद्र पारीख सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान के सागवाड़ा इलाके की, जहां सरोदा में दशा हुमर समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के अध्यक्ष दिनेश खोड़निया द्वारा साधना कोठारी को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किए जाने की घोषणा करते हुए केंद्रीय कार्यकारिणी बनाने के निर्देश जारी किए गए। ज्ञात हो कि साधना कोठारी लंबे समय से महिला महासभा सागवाड़ा की नगर अध्यक्ष के पद पर रहकर समाज के कई धार्मिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्य कर महिलाओं में जागरूकता लाने में अहम भूमिका निभाई है। अगली खबर राजस्थान के भिंडर इलाके से है, जहां अमेटा सेवा संस्थान द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गुलाब सिंह सक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत डॉक्टर राजीव ओमटा को समाज सेवा के लिए समाज रत्न से सम्मानित किया गया। समाज के लोगों ने डॉक्टर अमेटा को चिकित्सालय जाकर उन्हें समाज रत्न से सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेंद्र यादव और पुष्कर व्यास सहित कई चिकित्सा कर्मी और अमेटा समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर राजस्थान के पाली जिले से है, जहां सोमवार को अलवर में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 47वीं राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी एवं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार शर्मा सहित अन्य शिक्षा अधिकारियों ने खेल के महत्व को साझा करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सहायक दल प्रभारी सुरेश चंद्र जैन द्वारा मनोज, विजय नायक, दिलीप सहित कई अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों प्रतियोगी मौजूद रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया इलाके से है, जहां उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के शहर कोतवाली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक जाइलो गाड़ी में 470 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि गौशाला रोड पर स्थित श्री लोकमान्य तिलक गौशाला संस्थान में अवैध शराब का भंडारण किया जा रहा था, जहां से उसे बिहार प्रांत में ले जाकर बेचने का काम किया जाता था। पकड़े गए अभियुक्तों ने पुलिसिया पूछताछ में बताया है कि बलिया का रहने वाला कमलेश यादव नाम का शख्स गौशाला के रमेश मिश्र और अनुज को पैसों का लालच देकर गौशाला में गोदाम बनाकर अवैध रूप से रखवा देता था, जिसके बाद शराब की सप्लाई बिहार के अलग अलग हिस्सों में की जाती थी। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नगर क्षेत्र में
एक गौशाला में अवैध शराब का भंडारण किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस वहां मौके पर गई तो उस गौशाला के गेट पर एक ज़ाइलो गाड़ी खड़ी मिली, जिसमें एक लड़का मिला। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अगली खबर भी यूपी के बलिया इलाके से है, जहां खाद्यान्न घोटाले का मुख्य सूत्रधार पूर्व खंड विकास अधिकारी को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 2002 से 2005 तक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई संपूर्ण ग्रामीण योजना के अंतर्गत जनपद बलिया के विकास खंड हनुमानगंज के विभिन्न गांवों में मिट्टी नाली निर्माण सहित कई तरह के कार्य योजनाओं में मानक के अनुरूप कार्य न कराकर 14,50,690 रुपए का खाद्यान्न और 15,80,660 रुपए का नगद भुगतान फर्जी अभिलेखों में दर्शाकर गबन किए जाने के संबंध में थाना सुखपुरा जनपद बलिया में कई धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए घोटाले के मुख्य सूत्रधार को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य बिना ट्रैक्टर बिना ठेकेदारी बिना बिचौलियों के स्थानीय ग्रामीण परिवारों को रोजगार देकर सीधा खाद्यान्न एवं नगद लाभ पहुंचाने का मकसद शामिल था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र खबर के साथ।